अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल तवा भुर्जी और मसाला पाव। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम भुर्जी में डालने वाला मसाला तैयार करेंगे। गैस से मैंने तवा रखी है, उसमें डालूंगी एक दालचीनी का टुकड़ा, एक चम्मच जीरा, तीन छोटी इलायची, चार लौंग, चार सूखी मिर्च और 7-10 काली मिरी। अभी हम इसको भूनेंगे। देखिए मसाला भूनकर हो चुका है। अभी मैं इसको मिक्सर के जार में पीस लूंगी। अभी हम तवे में 2 स्पून तक के बटर डालेंगे, थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। आप चाहे तो पूरे बटर में भी बना सकते हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक कटे हुए प्याज। ये तवा भुर्जी है तो हमें तवे पे ही इसे बनाना है। और इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची मोटी मोटी कटी हुई। अभी हमें प्याज नरम होने तक के पकाना है। देखिए प्याज नरम हो चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे 4 टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर प्याज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर मिक्स होने के बाद में हम डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम सारी चीज़ को अच्छे से पकाएंगे। टमाटर नरम होने तक के हमें पकाना है। देखिए हमें ढाबा स्टाइल जैसे ही ऐसे ऐसे करना है चम्मच से। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक मिक्स होने के बाद में मैं इसमें डालूंगी 4 उबले हुए अंडे, उसको मैंने गोल गोल काट दी हूँ, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर। अभी अंडों को और मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, सेम ढाबा स्टाइल जैसे। अंडों को हमें ऐसे बारीक बारीक पीस कर देना है इसमें। अंडे और मसाले को हमने मिक्स कर दिए। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जो हमने मसाला भूनकर पीसे थे वो, और फिर से वापस से उसी तरह हमें सारी चीज को मिक्स करना है। देखिए अंडा पक चुका है। अभी हम इसमें बीच में जगह बनाएंगे। देखिए बीच में जगह बन चुकी है। अभी मैं इसमें 1 चम्मच बटर डालूंगी और 1 चुटकी जो हमने मसाला पीसे थे वो डालूंगी, और थोड़ी सी कोथमीर। अभी इसके ऊपर मैं ये 2 पाव को बीच में से काट कर ले ली हूँ, उसको रख दूंगी और पाव को हम सेक लेंगे। और मैं पाव के ऊपर भी और थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। इसको अब हम पलट लेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से मसाला पाव बनकर तैयार हो चुका है।
देखिए ये सेक कर हो चुका है, अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह ढाबा स्टाइल तवा भुर्जी बनकर हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना तवा भुर्जी कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।